Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Redox reactions are those in which oxidation and reduction both are happening simultaneously. ये दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में होंगे तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करेंगे. ओके, पहले तो मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि कौन से रिएक्शन रेडॉक्स होंगे और कौन से रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होंगे. What reactions are redox and what are non-redox? पहले इसको identify करना सीखो. सर, जो non-redox होते हैं वो oxidized होते हैं? नहीं नहीं, उसमें reduction oxidation कुछ भी नहीं हो रहा होता है. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, तो अब चलते हैं. पहले तो मैं types बता दूँ. पहली type addition reaction. साथ माइक बंद करो बेटा. Addition reaction. What is addition reaction? When two elements are combining, ये reaction हमेशा क्या होगा? Redox reaction. हमेशा, without any doubt, दो elements जब भी combine हो रहे होंगे. यानी enthalpy of formation के तमाम reactions क्या होंगे? Redox reaction होंगे. I hope you remember. Enthalpy of formation. Now, secondly, displacement reaction. Secondly, displacement reaction is always redox. अच्छा, displacement में होता क्या है? More reactive. Will this element displaces less reactive element. मुझे लगता है मुझे इनकी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी. पहले मैं ये नॉन रेडॉक्स वाला पार्ट मिटा दूं. मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. वो रिएक्शन भी लाजमी तौर पर, एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड क्लोरीन टेक्स इट्स पोजीशन, राइट? ये रिएक्शन भी क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन. दैट्स ओके हुजैफा, बट बी ऑन टाइम ऑलवेज. नेक्स्ट, हसन कहाँ है? हसन की कोई जॉब वॉब चल रही है यार, उसको भी कहो क्लासेस तो टाइम पे ले. एनीवेज, कॉपर सल्फेट, अब मेरे साथ जो रहेगा ना कॉन्स्टेंटली, जो कंसिस्टेंटली सुनेगा गौर से, कॉपर, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिंक हैज डिस्प्लेस्ड आउट कॉपर, मेड जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूसेस कॉपर और रिलीज्ड कॉपर, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो ये रिएक्शन भी हमेशा क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगा. इट विल ऑलवेज बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. तीसरी, कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन रिएक्शन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो हमेशा रेडॉक्स टाइप का होता है. फॉर एग्जांपल तुम किसी भी देख लो, CH4+O2, CO2+H2. अब कंबशन किसी भी, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो चाहे किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं NO. आई एम नॉट बैलेंसिंग ऑल दो, लेकिन मुझे देखो, कुछ बच्चों के मैसेज आए.
हाँ बेटा, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, दिस इज व्हाट आई सेड. और इस ये वाली इक्वेशन तो बैलेंस ही है. नो, देयर इज नो नीड ऑफ ब्रैकेट इन दिस केस बेटा. तुम पता होना चाहिए दिस इज 2 प्लस एंड दिस इज 2 माइनस. तो ये क्रॉस कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से. ये रिएक्शन भी क्या होगा, इसको बैलेंसिंग की जरूरत है. 4 5 4 6, इसको बैलेंसिंग है 2 एंड 2. लेकिन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग. वंस यू लर्न हाउ टू मेक, हाउ टू स्प्लिट अ रेडॉक्स रिएक्शन, तुम्हारे लिए बैलेंसिंग कोई बात ही नहीं रहेगी. टेलिंग यू नाउ. ये तो तीसरी क्लास हो गई. कंबस्टन भी हमेशा क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन. और चौथी टाइप देखो, फर्स्ट करो तुम्हें रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट बाय द एंड ऑफ ईयर नहीं आता, लेकिन तुमने इस चीज को याद किया हुआ है कि कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, और तुम आइडेंटिफाई करना जानते हो कि कौन सा कंबस्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा एडिशन है, और तुम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्योंकि एग्जामिनर तुमसे यही पूछने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स एंड विच वन इज नॉन रेडॉक्स. तो तुम इन बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो. चौथी टाइप अब जरा गौर से देखना, ये जरा टिपिकल है. डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड into elements, compounds का decomposition into their respective element. For example, if I talk about HCl, it will make H2 and Cl2. तो ये reaction लाजमी तौर पर क्या होगा, redox reaction. सर आप किस basis पे कह रहे हैं? Now, अब सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, इसकी भी एग्जांपल देख ले लें. H2 plus Cl2 gives HCl. तो क्या सब लोगों ने यहां तक की बात सुनी है मेरी गौर से? जिन सब सारे बच्चों ने प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट. यस सर. माइक ऑन करते हैं तो सबकी स्क्रीन डिस्टर्ब होने लगती है. सो प्लीज इस बात को गौर से समझें कि हमें माइक ऑन नहीं करना, हमें रिटन चैट बॉक्स में मैसेज करना है. यहां तक सारे बच्चों ने मेरी बात सुनी है ना गौर से? नाउ 5 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया, बाकी सब सो रहे हैं अभी तक. ओके, नाउ नाउ लिसन दिस पॉइंट. नाउ दिस इज द की ऑफ ऑल द 4 टाइप्स दैट आई हैव आइडेंटिफाइड. जिस रिएक्शन में एलिमेंट तुम्हें नजर आए, द वेरी रेयर रिएक्शन बिसाइड दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को भी लिखूंगा. जिस रिएक्शन में तुम्हें एलिमेंट नजर आ रहे हैं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, किसी भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें तुम्हें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर कोई एलिमेंट नजर आ जाए, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसके अलावा भी रेडॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर ऑफ सच टाइप इफ एलिमेंट इन its standard state present either on reactant or product side the reaction will be redox type. आधी परेशानी तो यूं हल हो जाती है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है. अब ये वो नहीं है जो ओ लेवल्स में करते थे. ओ लेवल वाले टीचरों की भी जान कितनी सुकून में थी कि कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ता था और बच्चों को रेडॉक्स आ जाता था. इस दफा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है. ये ओ लेवल्स के लिए हम बच्चों को पढ़ा देता हूँ. बच्चे आसानी से ढूंढ लेते हैं कि कौन से में रेडॉक्स हो रहा है, कौन से में रेडॉक्स नहीं हो रहा है. लेकिन तुम्हें यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस. तुम्हें इतने बचकाना एक्टिविटीज से तुम्हें रेडॉक्स को नहीं जानना. तुम्हारे पास रेडॉक्स काफी डिटेल्ड है, राइट? उस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस रेडॉक्स के ऊपर बेस करती हुई नजर आएगी तुम्हें. ओके,
ये तो मैंने मेजर क्लासिफिकेशन बता दी, एडिशन रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कंबस्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो सर ये बताइए नॉन रेडॉक्स कौन से होंगे, चलो उनको भी देखते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इट वुड बी बेटर इफ यू मेक योर ओन नोट्स ड्यूरिंग द क्लास। सो आई एम मूविंग द स्लाइड। शाबाश मानो। आई वुड प्रेफर पीपल शुड राइट ड्यूरिंग द क्लास सो दैट स्टैंडर्ड स्टेट। शादी इज आस्किंग स्टैंड, शादी तुमने तीन दफा पढ़ा स्टैंडर्ड स्टेट एटोमाइजेशन के अंदर, यानी वो स्टेट जिसमें एलिमेंट एग्जिबिट करते हैं नेचुरली। क्लोरीन नेचुरली कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। सल्फर नेचुरली कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, राइट। ब्रोमीन नेचुरली, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट इसी हिसाब से है, ठीक है जी। तो मैंने अभी ये फाइंड आउट किया कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन से हुआ करेंगे। अब ये देखते हैं व्हाट रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स। रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स, इनमें से कौन से रिएक्शन है जो नॉन रेडॉक्स टाइप के हैं? मतलब ये कि सर अगर एलिमेंट अपनी स्टेट में नहीं है तो वो रेडॉक्स नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट ही नहीं है, अगर कंपाउंड्स तुम्हें नजर आ रहे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि रिएक्शन रेडॉक्स हो। बहुत रेयर चांसेस हैं जो कि तुम्हें पता चलेंगे, उसके लिए तुम्हें रिएक्शन को स्प्लिट करना पड़ता है, राइट। ये मैं सिर्फ एक की बता रहा हूं सीखने के लिए ताकि तुम क्विकली इसको ग्रास्प कर सको। तो व्हाट रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स, अब पहले नॉन रेडॉक्स को आइडेंटिफाई कर लें इसी तरह से। एरूज एंथैल्पी में हम पास पेपर्स तक पहुंच गए थे, हैसेस लॉ तक पहुंच गए थे, उसके पास पेपर्स बाकी हैं तो वो मैं किसी अलग दिन जैसे सैटरडे को एक डबल क्लास रख के पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा और एक दिन पहले बताऊंगा कि इसको रीड करके रखिए ताकि आप लोग पास पेपर आसानी से कर सकें, क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स थे तो उनको भी साथ लेके चलना था। तो मैंने कहा कि किसी का भी कोई लॉस ना हो न्यू स्टूडेंट के लिए, वो कॉन्सेप्ट जैपनीज चाइनीज ना लगे उनको, तो इसीलिए मैंने उसको स्टॉप कर लिया। अभी सैटरडे को प्रॉबेबली मैं आपकी एक डबल क्लास लूंगा और उसमें हम पास पेपर्स करेंगे। नो वन हैज टू मिस दैट क्लास। नाउ व्हाट रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, तो सर क्या एडिशन, सर एडिशन तो आपने अभी वहां लिखा था रेडॉक्स टाइप, एडिशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बल्कि दो कंपाउंड्स का ऐड होकर एक और कंपाउंड बनाना। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये क्या है? नॉन रेडॉक्स टाइप है। ये रिएक्शन लाजमी क्या होगा? नॉन रेडॉक्स। एक और टाइप देखते हैं, ये तो एडिशन हो गया, कंपाउंड्स इनटू कंपाउंड्स, ये हमेशा नॉन रेडॉक्स होगा। डीकंपोजिशन, ऑफ ए कंपाउंड इनटू अ कंपाउंड इनटू कंपाउंड्स, एडिशन को मैंने कहा। अच्छा वहां प्रीवियस स्लाइड में देखो, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू मेक कंपाउंड, एलिमेंट का तस्करा जरूर है यहाँ पे एडिशन में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए दो एलिमेंट्स होना चाहिए, ये भी कंपाउंड है और इन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया। तो कंपाउंड से कंपाउंड अगर होगा तो एडिशन ऑफ कंपाउंड इंटू कंपाउंड, दैट इज अ नॉन रेडॉक्स टाइप। और इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इंटू कंपाउंड, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड दो मुख्तलिफ कंपाउंड दे रहा है, तो ये भी नॉन रेडॉक्स होगा, ठीक है। जबकि यहां देखो डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इंटू एलिमेंट्स इज अ रेडॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन टू कंपाउंड इज नॉन रेडॉक्स। ये फर्क आया समझ में सबके?
प्लीज रिस्पॉन्ड मी कि यहां तक की बात आपके समझ में आई है एवरीवन। छह बच्चे कम है आज। आज मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से क्लास से जाओ ना तो तुम ये कह सको कि हाँ आई स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। बस पांच बच्चों ने मेरी बात समझ में आई है, ये बाकी सबको भी आ गई है। क्विकली रिस्पॉन्ड। ऑलराइट, अब दो फेमस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। एक मिनट रुको, अब अगर मैं किसी से पूछूं, गयास डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? नो सर। अच्छा, रेज योर हैंड ऑल दोज हु हैव एन आइडिया अबाउट न्यूट्रलाइज, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यूसुफ साहब, यूसुफ अनाई साहब, शाबाश हुजैफा। यूसुफ कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस, नाउ टेल मी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? डू यू हैव एनी आइडिया? इफ नो जस्ट लाइक नो, वी कांट हियर यू। No, sir. You don't have it. That's okay. Fizza Jafri, what is neutralization? Neutralization reaction is when an acid is neutralized by an alkali or a base. Or reacted with alkali or a base. Shabash. Yes. Shabash, beta. Aur bhi dusre bachon ne mujhe answer kar diye the. Harun ne bhi raise kiya hand. Harun, aap batayenge kuch? जी सर, यही बता रहा था, जब एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है यार, एक काम करो हारून, जरा राव को फोन करो, उसे कहो कि क्लास में क्यों नहीं है मौजूद वो। ठीक है बेटा, ओके। न्यूट्रलाइजेशन इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस और एसिड अल्कली रिएक्शन, एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर or acid with metal carbonate reaction. Metal carbonate bhi base hota hai, metal hydroxide bhi base hota hai, metal carbonate bhi base hota hai, metal hydroxide bhi base hota hai, aur metal oxide bhi base hota hai. Ye baatein yaad rakhna, metal oxide bhi base hota hai. इन तीनों के साथ इसमें सॉल्ट वाटर बन रहा है, इसमें सॉल्ट वाटर CO2, इसमें सॉल्ट वाटर, इसमें सॉल्ट वाटर, तो ये तीनों किस्म की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये तीनों किस टाइप की हैं? नॉन रेडॉक्स। ठीक है, यानी इनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंड फोर्थ टाइप is precipitation reaction, और precipitation को तुमने किस regard में पढ़ा है? O levels में, double displacement reaction। ठीक है, तो double displacement भी कौन सा reaction है? Non redox reaction। This is also non redox reaction। जैसे simple double displacement को देख लो, NaCl plus H2O, this is not precipitation, although NaCl, Na2SO4 HCl, ये नॉन रेडॉक्स है। प्रेसिपिटेशन तुमने देखा था FeSO4 plus NaOH, दिस मेक्स प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड विच वर ग्रीन इन कलर एंड सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन भी क्या है? नॉन रेडॉक्स। तो सर आपने 8 रिएक्शन तो बता दिए जिनमें 4 रेडॉक्स थे और 4 नॉन रेडॉक्स थे। ठीक है, लेकिन सर आई एम स्टिल ब्लैंक हाउ टू फाइंड आउट
व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. मुझे तो अभी तक नहीं आया ना कुछ भी. अभी तो मैं सिर्फ तुक्के मार सकता हूँ कि मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि हाँ दिस इज रेडॉक्स है, दिस इज नॉन रेडॉक्स है, राइट? बिकॉज अपॉन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि अगर वो न्यूट्रलाइजेशन एंड नॉन रेडॉक्स है, कम्बशन एंड रेडॉक्स है, प्रेसिपिटेशन एंड नॉन रेडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है. तो अभी तक तो मैं गेसिंग गेम में हूँ ना. मुझे जाना है रियल कॉन्सेप्ट तक, क्योंकि इतना आसान सवाल एग्जाम ना मिल रही है, एग्जाम में प्लॉट नहीं करने वाला. नाउ अब पहले रेडॉक्स को स्प्लिट करते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. एक एनाग्राम है. एनाग्राम समझते हैं? क्रॉसवर्ड्स खेलता है कोई बच्चा यहाँ पे? नहीं खेलता हूँ. हमारे मोबाइल फोन ने सबको बर्बाद कर दिया है ना. सच्ची कह रहा हूँ ना, एक मरता यस जरूर कहना. कोई क्रॉसवर्ड नहीं खेलता ना जनरली. आस्किंग अफसोस होता है हमारे बच्चे ना क्रॉसवर्ड्स खेलते ना टेलीवर्ड खेलते, बस मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये और वो. अच्छा तो जो खेलता है वो फंस जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो फंस जाएगा. मजाक कर रहा हूँ. एनाग्राम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड विच आर समटाइम मेकिंग सेंस, समटाइम नॉट मेकिंग सेंस. रेडॉक्स का अपना कोई मतलब नहीं है. अगर रेडॉक्स का मतलब देखो तो तुम कहोगे रेड कलर्ड ऑक्स, रेड बुल. रेड बुल तो वर्ड है, रेड बुल तो पीते होंगे ना सब. ओके हाँ सब क्रिकेट खेलते हैं और सब. क्रॉसवर्ड कोई नहीं खेलता. अच्छा एनाग्राम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स whether giving meaning or not, but they are representing many words. तो ये तो कम से कम दो words को represent कर रहा है, एक reduction को, एक हाँ माशाल्लाह सब football खेलते हैं, कुछ cricket खेलते हैं. Red and ox. Red is representing reduction. Ox is representing oxidation. अच्छा इसकी चार डेफिनेशंस बनती हैं, दो ऑर्गेनिक के लिए, दो इनऑर्गेनिक के लिए. ऑर्गेनिक के लिए क्या होती है? गेन ऑफ हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वेदर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. दो रिगार्ड में मैं इसको रिडक्शन कह सकूंगा. इधर gain of hydrogen is happening or loss of oxygen is happening. ठीक है. और oxidation को मैं कहूंगा vice versa of this, gain of oxygen या फिर इसके vice versa loss of hydrogen. तो ये दोनों एक दूसरे के opposite से पहचाने जा रहे हैं. Yes, why not? Should I move on, Haris? Okay. Now, तो ये definition दोनों जगह gain लिखा है. हाँ बेटा क्या कह रहे हैं आप? Compare the definition this way. अच्छा हाँ सही सही. यार साथ तुम कैसे कैसे सवालात करते हो. अगर ऑक्सीजन की बेसिस पे तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हाइड्रोजन की बेसिस पे डिफाइन करना चाह रहे हो तो रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ये तो ये डेफिनेशंस कहाँ अप्लाई होती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर.
ठीक है, इनको हम ज्यादा इनऑर्गेनिक में अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन ये इस दफा हमारे पास बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक में और बहुत थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आएगा। तो वो डेफिनेशंस क्या हैं जो इसकी, रिडक्शन को तुमने एक एनाग्राम, एक और एनाग्राम ऑयल रिग के नाम से पढ़ा था, ऑयल तेल जो होता है, ऑयल इज रेफरिंग टू ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिग रिडक्शन इज गेन। और ये ऑयल रिग एनाग्राम बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, कि इट इज ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरी एक डेफिनेशन क्या हो गई, इट्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वुड बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी डेफिनेशन है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास बहुत ही स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, फर्ज कीजिए एक स्पीसी है x माइनस, कोई आयन हो सकता है, इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन दिस शुड बिकम x टू माइनस, एम आई राइट? क्या मैंने सही लिखी इक्वेशन? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड ऑन दिस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज और बड़ा माइनस आ जाएगा। हारून अब्दुल्ला बेटा माइक ऑन करना जल्दी से, मेरे पास मुझे इस बात को सम अप करना है ताकि मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इससे रिलेटेड बात। यस सर, सही है, सही ठीक है। ओ थैंक यू वेरी मच, आपने नो कहा ना तो मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछ लूँ, ज्यादा आपको आता है। एनीवेज, एक्स में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो एक्स माइनस, ये भी रिडक्शन है। एक्स प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो और एक्स टू प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो, तो ये सारे प्रोसेस कौन से हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ये चारों प्रोसेस किसे शो कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिडक्शन को। तो मैं यहां चौथी डेफिनेशन बना सकता हूं, इट कॉजेस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। क्या बोल रहे हो साथ, क्या खाया था तुमने दोपहर में, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, एक मिनट अभी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये मेरी बात समझ में आई। लास्ट वाला पॉइंट मैं देख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक्चुअली चार्ज होता है, इसके ऊपर अभी बात करनी बात की है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको क्या समझे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स अ चार्ज। तो डिक्रीज इन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया डिक्रीज हो गया फर्दर, ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन का। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, चार्ज डिक्रीज हो गया, अभी चार्ज क्या था, जीरो, व्हेन देयर इज नो चार्ज दैट मींस इट्स जीरो। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज क्या हो गया, वन माइनस, दैट इज डिक्रीज इन चार्ज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अभी चार्ज क्या था, वन प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो चार्ज क्या हो गया, जीरो, ये भी डिक्रीज हो गया चार्ज। अभी चार्ज क्या था, टू प्लस,
एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लियो तो अब कितना रह गया, वन प्लस, तो ये भी क्या है, डिक्रीज इन चार्ज. एंड ऑल दीज प्रोसेसेस आर शोइंग रिडक्शन. चलो इधर आओ. नाउ इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी x2 minus, if it lose one electron, x1 minus, if it loses electron, x, if it loses electron, x plus, if it loses electron, तो मैं यहां लिख सकता हूं increase in oxidation state. या मैं इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या यूज किया, increase in charge. देखो टू माइनस बड़ा होता है या वन माइनस बड़ा होता है, वन माइनस बड़ा चार्ज होता है, टू माइनस छोटा चार्ज होता है. वन माइनस और जीरो, जीरो बड़ा है. जीरो और वन प्लस, वन प्लस बड़ा है. वन प्लस और टू प्लस, टू प्लस बड़ा है. तो एक चौथी डेफिनेशन मेरे पास क्या बन रही, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, और ये क्या बन रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज रिडक्शन. सो आई एम लाइक एंडिंग द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेशन ओवर हियर, सेंडिंग यू अ लिंक in a minute so that you can join quickly so that we can utilize maximum time. See you in 5 minutes.